हरियाणा में दो गुट हैं कांग्रेस के, हुड्डा गुट, एसआरके गुट। आपने भाजपा में आके एसआर गुट को कमजोर कर दिया, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है जब दूसरा गुट कमजोर होता है तो पहला गुट हैवी हो जाता है, कहीं आपने भाजपा में आके हुड्डा गुट को और मजबूत तो नहीं कर दिया? तो अक्सर मैंने देखा है परिवार की बातें कर रहे हैं, भाई बाबू बेटे खतरे ऐसा कर रहा है, नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, तो यूँ नहीं लगता कि आप भी तो अपनी बेटी के लिए ऐसा कर रहे हैं? अगर आपने पार्टी छोड़नी होती तो लोकसभा की टिकट ही ना मांगते, उसे दो महीने पहले छोड़ के आ जाते। तो क्या लगता है कि भाजपा के साथ कोई इस तरीके की डील हुई है, भाई हम एक हमें राज्यसभा एक हमें विधानसभा दें, या तीन चार विधानसभा की सीटें हमें अपने हिसाब से? कई बार साल पहले भी चली थी कि कहीं ना कहीं चुपके चुपके मुलाकात आपकी हो रही है भाजपा से, भाई ये मिल रहे हैं, कुछ बातें मानी नहीं जा रही हैं, इसलिए भी डिले चल रहा है, ऐसा हुआ है? मुलाकात हुई? तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। हमारे साथ हैं किरण चौधरी जी। बहन जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। राम राम जी। और जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। मेरे जैसे तो बहुत हजारों यूट्यूबर आ गए होंगे जी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे जो स्पेशली पूछना चाह रहा हूँ, खलबली मची तब जब राहुल गांधी जी थे, आप थे और राव दान सिंह जी स्टेज पे थे, तो वहाँ पे कुछ उंगलियाँ कर करके बातें चल रही थी, तो वहाँ पे क्या ऐसी तकरार चल रही थी, राहुल गांधी जी की रिएक्शन क्या था, वास्तविक स्थिति क्या थी? सभी गैस कर रहे हैं वैसे तो। वो बातें अब चली गई, उन पुरानी बातों पे अब क्या बात करना, ख़त्म हो गई, अब आगे का अध्याय है, उसकी तरफ हमने देखना। अच्छा, मतलब वो अभी सीक्रेट रहेगा वो। अच्छा बहन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हरियाणा में दो गुट हैं कांग्रेस के, हुड्डा गुट, एसआरके गुट, जो खबरें चलती हैं, आपने भाजपा में आके एसआर गुट को कमजोर कर दिया, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है जब दूसरा गुट कमजोर होता है तो पहला गुट हैवी हो जाता है, कहीं आपने भाजपा में आके हुड्डा गुट को और मजबूत तो नहीं कर दिया? ये अच्छा, ये दूसरा नजरिया, ये मैंने सोचा नहीं था। देखो भाई साहब, बात ये है, कोई गुट नहीं है जी, मैं शैलजा जी, रणदीप, हम सीनियर लोग हैं जी, और हरियाणा की जो है आपने देखा है बहुत सीनियर पदों पे रहे हैं, सारा काम करा है। आवाज़ हमने ये उठाई कि क्षेत्रवाद के खिलाफ जो है, कि क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, सबको समानता मिलनी चाहिए, सारों के कार्यकर्ता जो हैं उनको बराबर का हक मिले, और जो है पूरे हरियाणा का विकास हो, ये काम के लिए जो है हम तीनों ने जो है अपनी ये रथ यात्रा निकाली जी। पर अब जो मेरा, मैं ये निश्चित तौर पे जो है, शैलजा जी और रणदीप जी जो हैं पीछे रह गए हैं, मैं इसलिए आई क्योंकि मैंने ये देखा कि पूरी तरह से हरियाणा के अंदर जो है, जैसे मैंने पहले भी बहुत बारी कहा है कि जो बाढ़ ही अगर खेत को खाए जी, तो फिर तो खेत के अंदर कुछ उग सकता कुछ ही नहीं, उग ही नहीं सकता जी। और ये हम बार बार देखते आ रहे हैं कि हर एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करा जाता है, सारे हरियाणा जानता है कि आज के दिन जो है कांग्रेस जो है उसके अंदर क्या हाल हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं जी। जो है यहाँ तक स्थिति आ गई है कि पुत्र मोह के अंदर कोई और नज़र जो है सामने आ जाए, या तो चमचाओ पूरी तरह से जी, वो सर्वाइव करेगा, कोई हमारे जैसा जो है जो खुलकर जो है कांग्रेस पार्टी की नियतियों नीति के लिए हर एक चीज़ के लिए विधानसभा में या बाहर जो है खुल के जो लड़ाई लड़ रहा है और उनकी चमचागिरी नहीं कर रहा, वो उसका वहाँ पे कोई जगह रही नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कि जब खुद ही जो है वहाँ पे अपना आप जो है ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, तो फिर कम से कम जहाँ पर ऐसी जगह पर तो जाएँ जहाँ पर कार्यकर्ता का मान सम्मान हो, और जो है ऐसी पार्टी जो संगठित पार्टी है कि जहाँ कुछ करेंगे दिखाएंगे तो वो आगे बढ़ाएंगे, ये सोचकर जो है मैं आई हूँ। और मुझे कहना पड़ेगा कि बहुत मान सम्मान के साथ, बहुत सजा कर जो है हमारा जो नेतृत्व है भाजपा का, वो मुझे लेके आया है, और इस बात से मेरे को बहुत दिल के अंदर जो है संतुष्टि हुई है, और पूरे नियत ईमानदारी के साथ मैं और श्रुति काम करेंगे। आपने देखा ये जो है विधान पार्लियामेंट के चुनाव के टाइम भी जी, जो स्थितियाँ बनी, ये तो ये चाहते थे कि एक सीट इनकी आए पूरा वो वाली जो है अपना रोहतक वाली, बाकी सीटों के ऊपर तो खात्मा हो जाए, जो वितरण करी टिकटें वितरण करी उससे साफ नज़र आ गया, ये तो लोगों ने इलेक्शन लड़ दिया कि इतनी सीट आ गई, ये किसी इनके कहने से तो आई नहीं है। तो आज जो ये जो
इतने ज़बरदस्त तरीके से कह रहे हैं कि हम 5 सीट ले आए हैं, तो ये इनकी उपलब्धि नहीं है, ये तो जनता का धन्यवाद और जनता का नतमस्तक होना चाहिए। अब आप भिवानी सीट के ऊपर एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आते हैं जो अपने ही हलके के अंदर हारते हैं, MLA जहाँ से हैं वहीं से हारते हैं, आप उनके अपने बूथ से हारते हैं, उनका जिला है वहाँ से हारते हैं, उनके जो रिश्तेदारों के गांव हैं वहाँ से हारते हैं, तो आप क्या फिर उम्मीद रख सकते हैं। इसी तरह से जो है आने वाले समय में भी जो है सारी जगह 4-4, 5-5 इन्होंने MLA बना रखे हैं, सबको ले तो आए, इसको भी ले आओ, उसको भी ले आओ, सबको थापी मार दिए। अब सारे तैयार हो गए हैं MLA लड़ने के लिए, क्योंकि महत्वाकांक्षाएँ सबकी हैं। और आप जब बोल के लाओगे कि भाई एक को तो बाप कहेगा कि भाई तेरे को बनाऊंगा, बेटा को अलग न्यारी थापी मारेगा, तो ये हालात हो रहे हैं। तो उसके अंदर जो है बाकी पार्टी सब आएंगी। अब जो है अखिलेश जी भी जो है अपना हक मांग रहे हैं, वो भी शायद कुछ ना कुछ होगा। फिर यहाँ से आम आदमी पार्टी होगी और दूसरे अन्य जो हैं किसान कह रहे हैं वो भी अपनी पार्टी बनाएंगे, तो ये सारा पका पकाया माल उनको मिलेगा। तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस आगे कैसे बढ़ सकती है मुझे बताओ, निश्चित तौर पे नहीं। और दूसरी बात सामने बिल्कुल साफ है, आज तीसरे 10 साल हो गए हैं भाजपा को केंद्र के अंदर, अपने आप में 240 सीटें लेकर आए प्रधानमंत्री जी और जो है सरकार वहाँ बनाइए। कांग्रेस फिर भी जो है वो 99 के ऊपर अटक गई है, 3 figures जो हैं वो भी नहीं लेकर आ पाए तीसरी बार। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ भी 10 साल जो है बीजेपी के पूरे जो है हो गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी होती है सारा कुछ। अभी भी ये आप आंकड़े निकाल के देखो तो 44 या 46 सीट्स ऐसी हैं, 46 सीट विधानसभा ऐसी विधानसभा जहाँ पर आज भी बीजेपी जीत रही है। तो ये जो है हालात, और बीजेपी जीत रही है उधर से जो है बीजेपी को जिताने में सारे लगे हुए हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं कांग्रेस का तो आगे भविष्य कुछ है ही नहीं है, अब खत्म हो चुका है कहानी। आप अक्सर मैंने देखा है परिवार की बातें कर रहे हैं, भाई बाबू बेटे खातर ऐसा कर रहा है, नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, तो यूँ नहीं लगता कि आप भी तो अपनी बेटी के लिए ऐसा कर रहे हैं? अगर आपने पार्टी छोड़ दी होती तो लोकसभा की टिकट ही ना मांगते, उसे 2 महीने पहले छोड़ के आ जाते। नहीं, बेटी की टिकट की बात नहीं है, जो ह्यूमिलिएशन जो सफर करा है, टिकट तो जो है पार्टी ने दे दी, कोई बात नहीं, ठीक है, नाजायज तरीके से दी, हमने सिर माथे पे मान लिया, कोई बात नहीं। आपने भी कह दिया हम भी उतनी ही सेवा करेंगे जितनी तुमने की थी। उन्होंने तो खैर 3 इलेक्शन जो है श्रुति ने लड़े, हाँ 2009, 2014, 2019 3 इलेक्शन श्रुति ने लड़े, और तीनों इलेक्शन के अंदर जो श्रुति के साथ हाल हुआ, जिनको टिकट दी गई थी वहां से श्रुति की जमानत जब्त करवा के भेजी। आपको मालूम होनी चाहिए ये बात। पहले तो हमने तो कभी आज तक आपने कभी सुना, हमने तो कभी बात नहीं करी, जो लोगों ने दे दिया उसको मान कर हम चुपचाप बैठ गए, क्योंकि आखिरी में ये तो जनता का जो है मत होता है और जनता का मत सर्वोपरि होता है, वो हमने अपना देखे और अपना अपने आराम से बैठे, हमने तो नहीं किसी के ऊपर तोहमत लगाई। ये जनाब आते हैं और जो है ये सारी ये सिलसिलेवार ये करते हैं, हमारे को ह्यूमिलिएट करा जाता है। तो हमने तो सोचा कि हम निकल के अपने शैलजा जी के लिए मैंने काम करा, मैं तो निकल गई यहाँ से। जब आप हमारे को पूछ ही नहीं रहे हो, हमारे इलाके के अंदर आप जा रहे हो, हमारे ऐसे पूछा नहीं जा रहा, आप हमारे को ले के नहीं जाने के लिए तैयार, क्योंकि आपके सरगना ने आपको कह रखा है कि इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर ठीक है, उसका खामियाजा अगर आप भुगत रहे हैं तो वो मेरे ऊपर कैसे बात आए, आप ये बताइए ना। श्रुति मेरे टाइम पर वो जब ये सारा हुआ था इतने ज़बरदस्त मतों से जो है श्रुति आ रही थी, करीब 36-37,000 के करीब से तो शाम से आ रही थी। अब तो आपका मैच कह देते हैं, इतना ज़्यादा आपको मेकअप करके दिया लोगों ने जो है इलेक्शन लड़ाया आपका, तो आप ये धन्यवाद करें कार्यकर्ताओं का कि उनके ऊपर आप तोहमत लगा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप जब परसों शपथ दिल्ली में थे, जब आपने भाजपा ज्वाइन किया था, तब मैं आपके हलके में घूम रहा था और लोगों से पूछ रहा था भाई किरण जी ने भाजपा ज्वाइन कर लिया आपका क्या कहना है, हालांकि दोनों ही पक्ष थे, ज़्यादातर आपके हक में थे पक्ष, भाई किरण जी के हाथ में उन्होंने पावर नहीं दी, नेपोटिज्म था, ऐसा बहुत सारी चीज़ें सामने आई, तो वो सर्वे खराब के ही पक्ष में आया। अब क्या लगता है कि भाजपा के साथ कोई इस तरीके की डील हुई है, भाई हम एक हमें राज्यसभा एक हमें विधानसभा दें, या 3-4 विधानसभा की सीटें हमें अपने हिसाब से दें? कोई ये कोई है बिजनेस वेंचर के लिए थोड़ा आए हैं कि डील करनी है, हम तो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं और काम नियत ईमानदारी के साथ करेंगे, और जो पार्टी देगी
वो काम हम आगे करेंगे, जहाँ पे जो है मेरा यूज़ होगा, चाहे राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, दिल्ली की मैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर रही हुई हूँ, तो वहाँ पर हो या हरियाणा के अंदर हो, सारे लोग जहाँ चाहे शैलजा जी के खिलाफ हो, चाहे रणदीप, देखिए आप जो पार्टी का जो अब जो होगा, जो पार्टी देगी काम करना, वो हम पार्टी नियत ईमानदारी से करेंगे। मैंने हमेशा से करा है, आज से नहीं, ईमानदारी से। विधानसभा के अंदर भी वही लड़ाई लड़ी है और बाहर भी, हमने नीचे नीचे से हाथ नहीं मिलाते, हम उनमें से नहीं है। खबरें कई बार साल पहले भी चली थी कि कहीं ना कहीं चुपके चुपके मुलाकात आपकी हो रही है भाजपा से, भाई ये मिल रहे हैं, कुछ बातें मानी नहीं जा रही हैं, इसलिए भी डिले चला है, ऐसा हुआ है, मुलाकात हुई है? खबरें जो हैं वो रूमर है, बातें तो हुई होंगी, चलती रहती हैं जी। और धुआं उठा मेरे बहुत सारे वो थे, जो कई लोग ऐसे हैं, वो सोचते हैं ना इसको ये निकल जाए तो जो है हमारा कांटा निकल जाएगा, पर उनको ये नहीं मालूम ये निकलने के बाद इनके पास खोखलापन रह जाएगा, इनका रहेगा ही नहीं कुछ। अच्छा एक खबर चली, पता नहीं वो सच है कि नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कि चौधरी बंसीलाल जी ने आपको अपना खंडका पहनाया था और आपको दो मतलब विशेष दी थी कि भाई आप आगे संभालो, ये सच्चाई थी या नहीं? क्योंकि दूसरा पक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि लड़कियां या फीमेल पार्टी या आगे अपना सिस्टम नहीं चला सकती, बंसीलाल जी की विचारधारा को नहीं चला सकती, कोई आदमी ही चलाएगा। जब बंसीलाल जी ने पगड़ी पहनाई, अब मेरे को ये नहीं पता कि सच है कि नहीं है, इस बात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप जरा अखबार निकाल लो, गूगल कर लो, सारा उसमें पता चल जाएगा आपको। चौधरी बंसीलाल जी ने अपने जीते जी जी सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद, उनको समझ आ गई कि जो है कि अब जो है सिलसिला जो है आगे बढ़ाना है, श्रुति के लाखों लोगों के उसके अंदर जो है प्रेजेंस के अंदर, जहाँ पर मैंने अभी पहले भी बताया कि हमारी उस समय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, वो आई थी, हमारी शीला दीक्षित जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी वो थी, स्वयं जो है हुड्डा जी और सारे ये लोग थे, उनके उपस्थिति के अंदर श्रुति के सिर के ऊपर पगड़ी अपने विरासत की रखी थी जी। ये जो है ये इसलिए रखी थी ये लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि आगे अब जो है ये बढ़ाएंगी, इसलिए रखी थी जी। और ये उस समय 20 साल पहले एक अनहोनी सी बात थी, क्योंकि हमेशा लड़के के लिए करा जाता था जी। तो चौधरी बंसीलाल जी ने जब सोच समझ के ये बात रखी तो उनके दिमाग में होगा कि भाई यही केपेबल हैं, आगे लेकर जाएंगी, तो इसलिए उन्होंने ये काम करा और सबके बीच में करा, ये तो कोई बात नहीं है। उसके बाद एक महापंचायत हुई जिसमें पता नहीं कितने 500-600 गाँव ने वो करा भाग लिया, ये सारे अखबारों के अंदर है, आप देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने पूरा तय करा कि भाई अब आगे जो है इसको किरण चौधरी, श्रुति चौधरी इसको आगे चलाएंगी, और हमने जो है ये 20 साल जो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी बंसीलाल जी के जाने के बाद हमने वो काम करा। आज पूरा हरियाणा के अंदर का, हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सबको मालूम है कि किसके पास है अब जो है विरासत जो है इधर कुलदीप बिश्नोई जी के पास जी, तो वो आ गए। अब यहाँ विरासत जो है, विरासत का मतलब ये कोई राजे महाराजे थोड़ा है, हम विरासत का मतलब जो जनता के लिए काम करा है जी। कि और जो है जो चौधरी बंसीलाल जी के साथ जुड़े हुए हैं, जो सुरेंद्र सिंह जी के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ भी आगे जुड़े जो है, उनको आगे किस तरह से लेकर जाए, उनको किस तरह से संभाल करी जाए, तो वो पूरे हरियाणा के अंदर ये 20 सालों में मैंने करा। और मैंने ये देखा कि हमारे लोगों को जो है जो मिलना चाहिए था उसको वो अपेक्षित रहे बेचारे, कि उन्होंने इतना करा, कांग्रेस को योगदान इतना दिया, लेकिन उसके बाद भी वो उपेक्षित ये रहे कि भाई इनको अलग से करा जाए। तो आप समझ सकते हैं फिर ये सारी बातें जो हैं मेरे जहन में बहुत चलती थी, तकलीफ थी, दर्द था इलाके का जो है हमारे हरियाणा भिवानी के अंदर जो है सड़क जो है खड़क से जो है ये जो है निकल के ये जो सड़क निकलती थी भिवानी की सड़क जहाँ शुरू होती थी वहाँ गड्ढे गड्ढे गड्ढे, हम लोग जो है तरले निकाल लिए हमने हुड्डा साहब के कि श्रुति उस समय पार्लियामेंट की मेंबर थी कि आप जो है ये कर दो, जो हमारे हक का जो काम था वो कर दो, हमारे हक के जो बच्चों के जो नौकरी लगानी है वो कर दो, लेकिन नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है ना, ये कोई एकदम तो कुछ होता नहीं। 2009 में श्रुति जी इलेक्शन जीते लगभग 50,000 वोटों से, 2014 में वो लगभग 1,25,000 वोट से हारे, 2019 में लगभग 4.5 लाख वोटों से। अब ऐसा कौन सा सर्वे, जबकि आप ये भी कह रहे हैं कि रावदान सिंह ने गलत किया जिसके कारण आप हारते रहे, अब ऐसा कौन सा सर्वे आया कि आपको ये लगा कि 2024 में आप जीत जाएंगे?
क्या राव दान सिंह मान गए थे? नहीं नहीं जी, दान सिंह के कारण नहीं हमारे जी। मैंने तो खाली ये कहा कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने से हारे जी, जी, वो तो बताना जरूरी था जी। ये देखिए उस समय जो है दूसरी बार जब श्रुति लड़ी, मोदी वेव जो है चरम सीमा, बिल्कुल चरम उस पर बिल्कुल जी। और तो नेचुरली जो है सारे श्रुति के हार ही, सारे ही सारे हार, सारे हार गए जी। हमारे जो नेता थे वो भी हार गए। हाँ, बाबू बेटा भी हार गए, सारे हार गए। बाबू बेटा वही जो है जिन्होंने दोनों लड़ रहे थे वो हार गए। और वो तो जो बाबू हैं वो तो देखते करीब करीब 2 लाख पौने 2 लाख वोटों से हारे जी, है ना जी। तो जो है ये हमारे ऊपर क्यों आप लगाओ, ये तो सारी दुनिया आ रही है। वो जो है केंद्र वाले भी हार गए जी, कौन था जो नहीं हारे। फिर उसके बाद राहुल गांधी जी भी हार गए। उसके बाद जो है फिर पुलवामा हो गया। उस समय कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल कोई खड़े मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई खड़ा हो जाए इलेक्शन लड़ ले। लेकिन भाई हमारा इलाका है, हमारे लोग हैं, उनको जो है रखना था, उनको डिमोरलाइज थोड़ा करना था। आधे लोग तो भाग गए थे, इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे थे जी। सही बात है ना जी। उस समय श्रुति ने लड़ा और वो जो वोट श्रुति को मिली उस समय वो हमारी निजी वोटें हैं। आप ये देखिए, समझ रहे हैं आप, वो अगर नहीं तो बुरी तरह से जमाने जबत होती, हालात तो इस तरह के थे। आज जो है जब पार्टी के सर्वे के अंदर श्रुति का 56% है, ये पार्टी की सर्वे की बात कर रही हूँ जो रिकॉर्ड की बात है okay. और इनका सर्वे के अंदर 32% है। ये झुटला नहीं सकते इस बात को क्योंकि मेरे पास सारे प्रमाण है, ठीक है। तो वो जो है अब जो है श्रुति ने 10 साल में खूब लगा के काम करा, नांगल चौधरी से लेकर यहाँ पर सबके सिंपथी थी, सबके ये था कि भाई श्रुति ने इतना काम करा, इनके भाई छोरी ने जो है ना जो है इसका उतारेंगे। नांगल आप कहीं भी चले जाओ पूछो, नांगल चौधरी चले जाओ, नारनौल चले जाओ, कितना काम करा था भिवानी में, कितना काम करा था। तो ये जो था, हार जीत तो देखो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हक श्रुति का बनता था। वो हक को जो है इन्होंने षड्यंत्र के तहत ख़त्म करा, और वो इसलिए ख़त्म करा क्योंकि ये सारा जो नेतृत्व है अपने को छोड़कर उसको ख़त्म करते हैं। मैंने कपिल नजरियाल जी का भी इंटरव्यू देखा, वो भी शोक थे कि भी आपने पार्टी छोड़ दी। मैंने शैलजा जी का भी देखा, वो भी कहीं ये था कि भाई हाँ उनके साथ गलत हुआ। जब सभी मानते हैं गलत हुआ तो भी पार्टी में सब सही चल रहा है, तो गलत क्या है, सही क्या है थोड़ा सा? अब ये तो देखिए, अब उनको तो इंटरनल उनको मंथन करना पड़ेगा। मेरे तो वो कहते हैं ना पानी सिर से ऊपर निकल गया था, इसलिए जो है मैंने तय करा, मैंने और श्रुति ने कि अब निकलो। अब आप देखिए, टिकट विकेट की तो बात छोड़ दो, ये होता है एक स्टार प्रचारक की लिस्ट निकलती है जी। स्टार प्रचारक कौन होते हैं? स्टार प्रचारक जो हैं, जो मेन लोग जो पूरे स्टेट पे स्टेट के जिन पे वो होता है जी, उसमें होते हैं। होता तो है 5-7-10 लोगों का, इस बार इन्होंने 40 की लिस्ट निकाली। 40 की लिस्ट निकाली। वो 40 की लिस्ट में मेरा नाम कहीं नहीं। मैं सीएलपी लीडर मैं रही हूँ, कैबिनेट मंत्री जो है 2 बारी मैं रही हूँ, 5 बारी की एमएलए मैं हूँ। श्रुति चौधरी जो है XMP हैं, श्रुति चौधरी जो हैं वो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। आप नाम ही नहीं हमारे डालते तो आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे को जो है हम कुछ नहीं है? यही मैसेज देने की कोशिश करी ना हुड्डा जी ने, हम जो है इसके पुत्र के वहाँ से चलता है सारा का सारा। तो इस तरह से इन हालात पे आप लेकर आओगे एक सीनियर पार्टी पर्सन को तो फिर रह क्या गया? हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को स्टार प्रचारक में रखो या ना रखो, लोग तो मेरे को वैसे ही मानते हैं जी। लेकिन सोच देखिए ना किस तरह की घटिया छोटी सोच पार्टी के अंदर इनकी है। आप पार्टी को बढ़ाने की बजाय, वहां शैलजा जी जो हैं, वो जब कुमारी शैलजा जी मंत्री थी तो वो तो बेचारी ये पार्टी में इसलिए बोल नहीं सकती, लेकिन जो है वो मंत्री होने के बाद उनके साथ जो बर्ताव किया जाता था वो हमारे को मालूम है ना। उसका जो दुख है, उसकी जो उसके साथ करा गया, ये छोटी बात नहीं है। और आज जो है सीनियर मोस्ट नेता है वो, उसका नाम अगर लिया जाता है कि ये मुख्यमंत्री बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? क्या इन्होंने वपोती उठा रखी है? दूसरा कोई नहीं कहते आ सकता, क्यों नहीं शैलजा कुमारी जो है मुख्यमंत्री बन सकती? तो जो जो इस लाइन के अंदर हैं उसको ख़त्म करो, पार लगाओ। रणदीप जी को पार लगाओ, कैप्टन अजय को पार लगाओ,
शैलजा कुमारी गोपाल लगाओ, किरण चौधरी को लगाओ, ये है कहानी, सारी कहानी यहाँ आके बनती है। अब आप पर्ची खर्ची की बात कर रहे हैं, खट्टर साहब की नायब सैनी की प्रशंसा कर रहे हैं, अभी पर्ची खर्ची उन्होंने चलने ही नहीं दी सरकार में, ये तो बात बिल्कुल सच्ची है। तो इसका मतलब हुडा साहब की सरकार जब थी तब चलती थी पर्ची खर्ची। आपको मालूम है एक बहुत बड़ा कारण अहीरवाल में इनके हारने का क्या, क्योंकि हम जब घूमते थे तो लोग हमारे को कहते थे नो नो नो, तो हमने पूछा भाई क्या बात है, क्यों नो नो नो, कहते हैं जी ये आप हुड्डा जो है सरकार बनी तो हुड्डा आएगा दोबारा, और हुड्डा जो है सारी नौकरियां रोहतक की जो है यहाँ पे देगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, कहते आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे टूटी चलाने वाला भी जो आदमी है वो भी बगल का है, वो हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं दी गई। और ये दान सिंह जी भी जानते हैं इस बात को, स्वयं उन्होंने मेरे को ये बात कही। तो इस तरह की बातें जब होती हैं तो फिर क्षेत्रवाद जब इतना तगड़ा हो जाता है तो फिर आपको पता लगा कि क्षेत्रवाद हो रहा है। क्षेत्रवाद तो बहुत पहले से हो रहा था, सहते आ रहे थे ऐसा ऐसा करके, वो कहते ना पानी सिर से निकल गया तो काम कर दिया जी। चलो मैं ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करूंगा। हाँ। एक छोटी छोटी सी बस आपके विचार जानना चाहूंगा उस व्यक्ति के बारे में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक ईमानदार आदमी, आज नहीं मैं जब CLP लीडर थी उस समय मैंने CLP लीडर होने के बावजूद जो है मेरे से पूछा गया था एक करनाल में और बहुत बवंडर उसके ऊपर खड़ा हुआ था जी। ईमानदार आदमी, किसी तरह की कोई तोहमत नहीं है, किसी तरह की उनके ऊपर कोई लांछन नहीं है, काम करने वाले लोग और हम्बल, मतलब कोई अहंकार नहीं, इस तरह के व्यक्ति चौटाला जी जो है। अब देखो ये सब के बारे में जिनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उन्हीं के बारे में मैं बात कर सकती हूँ, यूँ कि मैं टिप्पणियाँ ज़्यादातर नायब सैनी जी ये किसी के ऊपर, नायब सैनी जी जो हैं अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके साथ हम मिलजुल कर काम करेंगे। जो आपकी कंपटीशन आपका अपोजिशन में रहता था धर्मवीर जी के साथ, अब क्या वो मेल मिलाप हो चुका? मेरा कोई निजी भेदभाव नहीं है, निजी कोई कंपटीशन कोई किसी का तो है नहीं, खाली मैं काम करने के लिए आई हूँ। आप जानते हैं आज हरियाणा के अंदर सब जानते हैं कि मैं किस तरह से काम करती हूँ और ईमानदारी के साथ मैं करती हूँ, कोई किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है, कोई जो है दाग छवि नहीं वो नहीं है, और सच्चाई के ऊपर हम बात करते हैं, सारी जनता ये बात जानती है। तो वो सांसद हैं यहाँ से, उनके साथ हम मिलकर करेंगे काम, क्यों नहीं करेंगे? परमार साहब के साथ भी जी? बिल्कुल, क्योंकि वो भी आपके वो तो टफ कंपटीशन। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे बातचीत होती है आपकी? मैंने तो परमार साहब के साथ जो है पहले भी बहुत जो है बातचीत की बात छोड़ी, मैंने तो उनकी मदद भी करी हुई है, और आज जो है पार्टी में है तो हम तो पूरी उनके साथ मान सम्मान के साथ उनके साथ चलेंगे, कोई दूसरी बात ही नहीं है, सम्मानित है हमारे। बल्कि इलेक्शन जब लड़ रहे थे तो उनके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं तो जाके उनके बारे में पूछ के आई थी इलेक्शन के दौरान। तो ये चीज़ों ये राजनीति के अंदर चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पर्सनल रंजिश तो ना है, मेरे घर से किसी ने लेके कोई खा तो ना रखा है कुछ, जो है हम तो जो है काम करने के लिए हैं, जो हमारा मान सम्मान प्यार के साथ हमारे साथ रहेगा तो भाई हम उसका डबल करेंगे। तो अब क्या ऐसी बातें आपकी हुई कि आप तोशाम भिवानी के बारे में स्पेशल करेंगे, मुख्यमंत्री साहब से कोई स्पेशल पे चर्चा हुई, मेरे को तो स्पेशल ये चाहिए? नहीं नहीं, कोई किसी तरह की कोई विकास को लेकर कोई बात हुई? कोई चर्चा नहीं, कोई नहीं, मैंने पूरा मन मैंने और श्रुति ने मनाया कि कम से कम जो है ऐसे पार्टी के अंदर हम रहें कि आने वाले समय के अंदर उसके अंदर पूरी तरह से रूल मिल जाए, भविष्य जहाँ पे हो, जहाँ पे काम करे आदमी तो आगे बढ़ सके, इस तरह से ना हो कि नीचे नीचे से सारा कटाई हो, काम करो ईमानदारी से सब कुछ करो और फिर नीचे नीचे से दूसरों के साथ आप हाथ मिला के रखो तो आप जो है फिर आगे तो बढ़ने वाली बात ही नहीं। आखिरी सवाल बस एक ही लाइन में, अगर मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नई पार्टी बनाते हैं तो क्या आप दोबारा कांग्रेस में चले जाएंगे? ये तो कंजेक्चर्स हैं जी, क्या नई पार्टी बनाते हैं, नई पार्टी तो वो तब बनाएंगे ना जब उनके साथ कोई जाएगा, वो नई पार्टी वार्टी मेरे को नहीं लगता अब कुछ उनके पल्ले रह गया। चलो आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस देखो मैसेज यही है कि हम उनमें से हैं, काम करने के लिए आए हैं, नियत ईमानदारी से हम काम करना है, जो प्रभु इच्छा अपने कर्म में विश्वास करते हैं, राम का नाम लेते हैं जी, और जो प्रभु इच्छा वो प्रबल है वो होएगी, और अपना जो है चौधरी बंसीलाल जी का और सुरेंद्र सिंह जी का जो रास्ता दिखाया हुआ है, जो अधूरा सुरेंद्र सिंह जी का रह गया, जो उनके मन की इतनी बात थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए श्रुति और मैं दोनों आए।